हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये तीनों बेबी वूल ली है, तीन पिलाई वाली। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसे आप ड्रेस को मकर संक्रांति पे भी आप पहना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसे बनाने के लिए 10 नंबर सिलाई ले ली है मैंने। यहाँ पे तीन कलर लिए हुए हैं, ये देखिए, और ये हल्का पिंक है, और ये इस तरह से तीनों कलर लेके आप आसानी से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना सकते हैं। कलर आप अपनी पसंद का भी ले सकते हैं, नॉर्मल वूल भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से वूल लेके बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तीन कलर लिए हैं, 10 नंबर सिलाई ली हुई है। बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी आसानी से आपको ड्रेस बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है सिलाइयों की हेल्प से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सबसे पहले इसका आपको घेरा बताते हैं, घेरा हमने बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पिंक से फंदे डालेंगे, कोई भी कलर से आप फंदे ले सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि पिंक से ही डालें। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो ड्रेस आपको बता रही है वो 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ड्रेस बताएंगे, 3 से 4 नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम घेरे के लिए फंदा डालेंगे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे 18 फंदे हमने घेरे के लिए डाल लेने हैं इस तरह से, ये देखिए। आइए 18 फंदे डाल के इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घेरे के लिए 18 फंदे ले लिए हैं, और ये मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आपको पोशाक बता रही हूँ। 3 से 4 को ये आराम से आ जाएगी। तो देखिए, पहली सिलाई से हम अपना इसमें डिजाइन शुरू कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए, हमने इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे धागा अपनी तरफ कर लिए हैं, एक फंदा हम बढ़ा लिए हैं, उसके बाद लास्ट के हम 3 फंदा छोड़ेंगे। अगर आपको पोशाक पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारी सी गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से आपको बताएंगे, बिगनर्स भी आराम से इसको आसानी से बना के कंप्लीट कर सकते हैं अपने गोपाल जी के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया था, और यहाँ पे लास्ट के मैं 3 फंदा छोड़ रही हूँ, और यहीं से टर्न करूँगी। उल्टी सिलाई को हम, ये देखिए, फंदे को बुनते हुए बना लेंगे। तो देखिए, कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पास थोड़े थोड़े कलर भी बच जाते हैं तो मल्टी कलर में भी आप इसे यूज कर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 कलर लिए हुए हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं, और मकर संक्रांति पे आप गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो देखिए, अब हम फिर से सीधी सिलाई पर। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने पहला फंदा बनाया और ये धागा पीछे कर लिया, एक फंदा इस तरह से हमने पहले फंदे पे ही बढ़ा लिया इस तरह से। तो 2 फंदे बढ़ चुके हैं, लास्ट के फिर से 3 फंदे छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 18 फंदा अपना छोड़ना है, 3-3 करके 18 फंदा छोड़ देंगे जो हम डाले हैं, और 6 फंदा अपना बढ़ाएंगे। ये देखिए, 3 फंदा फिर से छोड़ दिया है आप देख सकते हैं, और यहीं से टर्न करते हुए हम ऐसे बना लेंगे। तो आइए 18 फंदा 3-3 करके छोड़ते हैं, 6 फंदा बढ़ा लेते हैं, उसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही हमने बनाते हुए जाना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बनाने का। ये देखिए, तो देखिए फिर से सीधी सिलाई पे हूँ, 3रा फंदा हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए ऐसे कर लिए हैं, और इसी से फिर से बढ़ा लेंगे। 2-3 फंदा बढ़ चुका है, फिर से लास्ट के हम 3 फंदा छोड़ेंगे, 6 फंदे छोड़ चुके हैं। ये देखिए, ऐसे यहीं से टर्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको 18वां फंदा छोड़ के बताएंगे, ये देखिए। तो 2 हो चुके हैं, 2-3
चार, पाँच और ये छः। जो फंदे बढ़ चुके हैं, छः फंदा वो हमने ये बुन लिए हैं और बाकी के 18 फंदे हमने तीन तीन करके सभी छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये छः फंदों को बना लेंगे और बनाने के बाद ये देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब अपना छः फंदे को घटाएंगे इस तरह से। ये देखिए, एक वापस सिलाई में डाला, दो वापस सिलाई में डाला, तीन वापस सिलाई में डाला, चार वापस सिलाई में डाल के, पाँच और वापस सिलाई में डाल के छठा फंदा। तो छः फंदे मैं घटा दी हूँ, जो 18 फंदा छोड़ा है मैंने तीन तीन करके वो सभी को बुन लूँगी इस तरह से। तो सभी फंदे ये देखिए, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह और ये लास्ट 18। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे एक पत्ती मेरी बनके ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं हूँ उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई पे हम अपना इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। कलर आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए, और सेम तरीके से सभी पत्तियाँ बनाएंगे ऐसे ही। ये देखिए इस तरह से, अंदर की तरफ दबा लेंगे इस धागे को और हम ऐसे ही सभी पत्तियों को बना के यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पूरा घेरा इसका बना के कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही। उसके बाद आपको चोली यहाँ पे बताएंगे किस तरह से बनानी है। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसमें दूसरा कलर लगा दिए, वैसे ही हम छः फंदा फिर से बढ़ाएंगे और लास्ट के तीन तीन फंदा करके 18 फंदे छोड़ेंगे ऐसे। ये देखिए, तो चलिए बनाती हूँ मैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घेरा बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने तीन कलर से बनाया है। इसी घेरे को आप रंग बिरंगा भी बना सकते हैं, सभी कलर लगा करके इस तरह का आप घेरा बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पत्तियाँ आपको बता देती हूँ कितनी बनाई हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। 18 पत्तियाँ बना के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसका यहाँ से घेरा हो चुका है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने दोनों धागों को कट कर दिया है। अब इसी से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए, इसको अंदर की तरफ दबाते हुए ऐसे, ये देखिए ऐसे सभी फंदे हम बंद कर रहे हैं। अब ये तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ड्रेस को बता रही हूँ, आप इसे चार को भी पहना सकते हैं। और ये देखिए, सभी फंदों को बंद करके कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। सभी फंदा मुझे इसी तरह से घटा देना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को घटा दिया है और यहाँ पे हमारा ये घेरा बनके कंप्लीट है। तो देखिए, आप चाहें, मैंने इस तरह से भी आपको ड्रेसेस बताई हुई है जिसमें हमने साथ में ही अपनी चोली बना ली है। इसमें हम क्या करेंगे, अलग से चोली बना करके भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं और यहाँ पे इसी में से फंदे उठा के चोली भी आप बना सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से बना ले। इसी में मैंने फंदे उठा करके इस तरह की ड्रेस भी अपने चैनल में डाली हुई है। तो आज मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अलग से ही चोली को बनाऊँगी। तो देखिए, घेरे को एक साइड करते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं चोली। तो यहाँ पर आप इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चोली यहाँ पे सबसे पहले हम पिंक से ही फंदे डालेंगे और यहाँ पे हमने 20 फंदा ले लेना है इस तरह से। कई बार छोटी पड़ जाती है तो थोड़ा सा दो फंदा हम अपना ज़्यादा ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, हाथ को टाइट चलाते हैं तो तब भी छोटी हो जाती है गोपाल जी में ड्रेसेस। तो यहाँ पे हम तीन के लिए इसी तरह से 20 फंदा डाल के कंप्लीट करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 फंदा पिंक कलर से डाल लिया है। अब इसमें हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, चोली आप किसी भी कलर से बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ये देखिए, बीस फंदा डाल के हमने अपना पिंक से हम डाले हैं और हमने यहाँ पे अपना ये दूसरा कलर लगा के चोली को बनाना है। तो आइए करते हैं इसको ऐसे ही, इस धागे को यहाँ पे कट कर देते हैं। तो उल्टी तरफ से मैंने अपना लगा दिया है और सीधी सिलाई को भी हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर उल्टी को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। चोली हम सेम तरीके से ही बना रहे हैं, जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से। तो आइए करते हैं इसको, दो सिलाइयाँ कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो सिलाइयाँ अपनी बना ली हैं। इसके बाद हम अपनी नेट वाली इसमें चोली बनाएंगे। तो यहाँ पे नेट बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से दो फंदा हम उल्टा बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से दो फंदा उल्टा बनाया है। उसके बाद अपनी नेट बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, एक बना लिए, धागा अपनी तरफ कर लिया है, दूसरी नेट बनाए, फिर एक फंदा आगे का सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, आगे का सीधा बनाया है, फिर अपनी धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और यहाँ पे तीसरी नेट बनाएंगे इस तरह से, एक, फिर ये चौथी। तो यहाँ पे मैंने चार नेट बना ली हैं। अब आगे का हम फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, पीठ वाला फंदा छः बना लिया है। इधर के फंदे भी दो उल्टा और दो पे नेट, फिर सीधा। हाँ ठीक है, ये देखिए, फिर हमने छः फंदे पीठ के लिए बना लिए हैं सीधे। उसके बाद धागा अपनी तरफ कर लिया है, अब दूसरी बाजू के लिए नेट बनाएंगे। तो ये देखिए, एक, धागा अपनी तरफ, दो, फिर बीच में एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। अब यहाँ पे हम तीसरी नेट बना रहे हैं, फिर धागा अपनी तरफ। ये देखिए, इस तरह से चार नेट हो चुकी हैं, यानी कि हमने यहाँ पे आठ नेट बनाई हैं, यानी कि जाली आठ। अब दो फंदा उल्टा, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आइए बना लेते हैं उल्टी सिलाई को, सीधी पे आपको फिर दिखाते हैं। तो उल्टी सिलाई कंप्लीट है, मैं हूँ सीधी सिलाई पे। अब ये देखिए, जो भी नेट का फंदा बढ़ता हुआ जाएगा उसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए, दो फंदा उल्टा, अब एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे जो बढ़ चुका है इस तरह से। अब नेट वाले फंदे पे ही हम नेट बनाएंगे, यानी कि जो सीधा फंदा जा रहा है फरी वाला, उसी पे नेट हमने बना लेनी है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम एक, दो, तीन, तीन फंदा सीधा बना लिए, ये देखिए, और इसी पे हम अपनी नेट बनाएंगे, एक, दो। अब पीठ वाले फंदे जो भी बढ़ते जाएंगे उन्हें हम सभी को सीधा सीधा इस तरह से बुन लेंगे। तो आइए, मैं यहाँ पे पांच नेट अपनी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही। इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं क्या करना है हमने। ये देखिए, अब दूसरी बाजू की नेट बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि हमने चार चार नेट बनाई हैं अपनी एक बाजू के लिए। तो चलिए, मैं पांच नेट बना के अपनी ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे, उसमें हमने कुछ नहीं करना है। अब ये दो फंदे उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी पांच नेट बना ली हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसके बाद हम इसमें फुल स्लिप बनाएंगे। तो फुल स्लिप जो बनानी है, ये देखिए किस तरह से बनाएंगे।
वो हम फुल बाजू बनाएंगे। तो देखिए दो तीन चार पाँच छ सात और ये वाला फंदा भी आठ, ये वाला भी हम इस तरफ ले लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम सारे फंदे अपना सेफ्टी पिन में डालेंगे। ज़्यादा बाजू बड़ी नहीं बनानी है हमने, छोटी ही बाजू हम हाफ बाजू ही बनाएंगे इसमें। और ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह फंदे हो चुके हैं। अब ये देखिए इनको हम इस तरह से सेफ्टी पिन में डाल दिए हैं। अब यहाँ से हम इनको सीधा सीधा फंदों को बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह और ये वाला फंदा भी उन्नीस। अब ये फंदे हम फिर से सेफ्टी पिन में डालेंगे और यहाँ पे चोली को बनाने के बाद ये बाजू को बनाएंगे। और बाजू में हमने यहाँ पे दो दो सिलाइयाँ ही बनानी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आगे भी हम कुछ पहनाते हैं गोपाल जी को, तो थोड़ा सा छोटी बाजू अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पे अब ये फंदे हम सभी को ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद हम अब यहाँ से बाजू के फंदे अलग करने के बाद मैं अपनी दो सिलाइयाँ सीधा सीधा बनाऊंगी। ये देखिए उल्टी सिलाई को बनाने के बाद दो सिलाइयाँ सीधा सीधा यहाँ पे बुनेंगे, दो फंदे साइड के दोनों तरफ के उल्टा उल्टा बुनेंगे और दो सिलाइयाँ सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। तो चलिए दो सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपनी दो सिलाइयाँ बाजू के फंदे अलग करने के बाद दो सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई हैं और तीसरी सिलाई को मैं उल्टा बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से तीसरी सिलाई को उल्टा बना रहे हैं और हम अपना ये देखिए अब हमने अपना यानी कि दोनों तरफ की ये हमारी छह सिलाइयाँ हो चुकी हैं। छठी सिलाई पे मैं अपना फंदा बंद कर रही हूँ, यहाँ पे उल्टी तरफ से छठी सिलाई पे हम फंदे को बंद कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए तो चोली बनके कंप्लीट है। चाहे तो आप घेरे में इस चोली को अटैच कर लें सुई की मदद से, चाहे आप अलग अलग से भी पहना सकते हैं और घेरे के साथ भी मैंने आपको बताया है घेरे से भी फंदा उठा के आप चोली बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको बता दिया है जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से चोली को बनाएं। घेरे के साथ भी मैंने अपने चैनल में इस तरह की ड्रेसेस डाली हुई है जो हमने साथ में ही घेरा बनाया है। यहाँ पे हम अलग अलग से पहनाने वाले हैं क्योंकि इस तरह से भी काफ़ी सुंदर फिटिंग आती है और चोली को बना करके अलग से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए सभी फंदे बंद कर लेती हूँ। तो सारे फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले फंदे को इस धागे को कट करेंगे और यहाँ पे इससे निकालेंगे। ये देखिए ऐसे तो चोली बनके यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सभी फंदों को अपना सिलाई पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम दो सिलाइयाँ ही बनाएंगे, यानी कि तीसरी सिलाई पे हमने बाजू के फंदे घटा देने हैं। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे सभी फंदों को इस पे ले लेते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना बाजू के फंदे और यहाँ पे इस तरह से धागा जोड़ेंगे और यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ ही बाजू में बनाऊंगी। ये देखिए एक सिलाई हम बना रहे हैं, ऐसे ही हम एक सिलाई और बनाएंगे और पिंक को लगा के यहाँ पे बंद करेंगे। छोटी छोटी बाजू हम बना रहे हैं। आगे हमें कान्हा जी को थोड़ा सा सजाना होता है तो इस तरह से हम तो आइए मैं कर लेती हूँ उल्टी तरफ से पिंक कलर लगा के एक सिलाई उल्टी उल्टी बना के जैसे गले पे बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पे अपना फंदा बंद करेंगे। ये देखिए दूसरी सिलाई को बना रहे हैं आप। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो सिलाइयाँ बाजू में बना ली हैं और चौथी सिलाई पे मैं अपना मैं दोनों तरफ की सिलाई आपको गिन के बता रही हूँ। ये अब यहाँ से हम अपना पिंक कलर लगा देते हैं और एक सिलाई बनाने के बाद हम सभी फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए और इन धागों को ऐसे अंदर की तरफ दबा लेते हैं ताकि धागा हमारा खुले नहीं। ये देखिए ऐसे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए मैंने तीन सिलाइयाँ बना ली हैं। अब इसके बाद हम सभी फंदों को अपना बंद कर देंगे और ऐसे ही हम सेम तरीके से दूसरी बाजू को बनाएंगे। उसके बाद हम आपको फिर दिखाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी दोनों बाजू बनके कंप्लीट हैं। हमने छोटा छोटा ही बाजू को बनाया है। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे हम इनको सिल लेते हैं बाजू को। सबसे पहले सिलाई कर लेते हैं बाजू की। ये देखिए हल्का सा ही सिलना होगा। इसी कलर का धागा लेके आप सिलाई कर ले। ये देखिए तो देखिए थोड़ा सा हमारा धागा फंस गया था। ये देखिए इस तरह से दोनों बाजू को हम सिल के ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चोली बनके कंप्लीट है। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ चाहे तो आप चोली को इस तरह से सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे भी सिल सकते हैं। ये देखिए ऐसे खींचने के बाद ये बराबर बराबर बैठ जाएगी इस तरह से। ये देखिए ऐसे। और चाहे आप अलग अलग से मैं इस चोली को अलग अलग से पहनाने वाली हूँ गोपाल जी को। ये देखिए यहाँ पे हम डोरी डालेंगे और उसके बाद ये देखिए चोली को इस तरह से अलग से ही पहनाएंगे। मैंने दोनों चीज़ को अलग अलग बताया है। ये काफ़ी सुंदर लगती है इस तरह से पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसके साथ चोली में साथ में ही हुड भी बना सकते हैं चाहे आप अलग से कैप बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डोरी डाल लेती हूँ और इस तरह से ये देखिए ऐसे हमारी ड्रेस उठ जाएगी। ये देखिए ऐसे पहनाने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा इस तरह से। ये देखिए और चोली हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर लें इसको। और यहाँ पे हम अपना डोरी लगा लेते हैं उसके आगे आपको फिर दिखाते हैं।